राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को। भाई आज भाई इस जोटी की डिटेल पूरी देंगे भाई, वीडियो में बने रहियो लास्ट तक। एक कमज़ोर सी ज़रूर आपने दिखाई दे रही है भाई, बड़े मंदे चला ले भाई, खुर बद रहे हैं इसके। देख मैं आपको पहले तो इसके खुर दिखा दूं भाई, रोक ले एक बार। बस ये देखो भाई, आज इसके खुर बनवा देंगे अगले पैरों के, बिल्कुल बड़े बड़े हो गए पिछले भी खड़ी खड़ी के एक जगह पे। और इसकी मैं डिटेल आपको बता दूं भाई, इसकी नानी फरीदपुर वाली मैच चैम्पियन, इसकी माँ जहाँ मेले में गई वहाँ फर्स्ट आया कर दी भाई। ताऊ बेद अलीपुरा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है भाई ताऊ बेद, अपने आप में भाई एक ब्रांड आदमी है वो। ताऊ बेद की खुद की घर पे पाली हुई ये जोटी है, लियावरान मोड़िए। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता दूं, ताऊ बेद के घर पे इसने जन्म लिया। रोक ले भाई, ये खीरी ब्याई भाई, बिल्कुल खीरी अदंत ब्याई इसने भाई। एक महीना सवा महीना पहले दांत तोड़ दिए, वो दांत कह रहा हूँ बच्चा डाल दिया भाई, एक महीना पहले इसने बच्चा डाला। फिर भी ये 16-16.5 किलो दूध इसने दिया भाई बच्चा डालने के बाद। एक महीना पहले ब्याई पर जब ये खार की ब्याई थी, और खुद इसका फादर है सम्राट थे मुकेरिया, सम्राट थे मुकेरिया की ये बेटी है। आप कमज़ोरी को छोड़ के इसके आप बॉडी करेक्टर देखो, ब्रीड के करेक्टर, सींग, गर्दन, पीठ पुट्ठा, आर्डर, थनों का साइज, ये देखें भाई साइड का गैप जो है वो भी लाजवाब है। दूसरी बार इसने ब्याई जब ये भाई, जब इसके जेर जार रहेगी वो ब्यांत भी इसका ख़राब गया। फिर भी ये 17+ ताऊ बेद के घर पर रही है। कोई भी भाई ताऊ बेद से संपर्क करके ना इसकी पूरी डिटेल ले सकता है भाई। फिर क्या हुआ भाई, अरब की बार ये प्रेग्नेंट है, करसिंधु जो गांव है ताऊ बेद के गांव के बिल्कुल शायद 2 ही किलोमीटर है, वहाँ पंचायती झोटे से हिसार यूनिवर्सिटी से एक बुल ले के आया हुआ है, उससे ये प्रेग्नेंट है। अब की बार फर्स्ट ब्यात में एक महीना पहले ब्याई 16+ दूध दिया, दूसरे में जेर वेर रह गई तो एक कमज़ोर भी ज़्यादा हुई। फिर इसने बीमार बहुत लंबी रही है भैया, महीना डेढ़ महीना, फिर इसने 17+ दूध दिया उस ब्यात में भी, और पूरा लंबा दूध दिया भाई। अब तीसरी बार ये करसंधु वाले पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है। साथ में अब इसके फिर क्या दिक्कत आई, इसकी एक जाड़ बदगी भाई, जाड़ बदगी तो जो भाई अपने डूम हुआ है मिरासी कह लो, जो सींग खुर ये बनावे हैं, इसकी जाड़ जो बद रही थी वो तो पाड़ी नहीं, और दूसरी जाड़ पाड़ दी भाई। मैं 2 महीने 2.5 महीने इसने खाना खाया नहीं गया भाई, क्योंकि भाई जाड़ पाटगी तो बहुत बुरा काम होया बेचारी गेल। अब खाने पीने में बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल बाद में ठीक हुई है, और अब इसका टाइम अभी शेष है बहने का, कितने दिन ले हुआ इसकी मर्जी भाई। शायद मेरे हिसाब से तो इसने लेना चाहिए हफ्ता तो कम से कम, क्योंकि अडर भी पूरा विकसित नहीं कराया भैंस ने। या भाई नसीब भाई ले गया बरसोड़ा ताऊ बेद से, ताऊ बेद ने शायद ये किसी को छोड़ रखी थी किसी के पास, नसीब पर भाई 1 लाख की आपा ले आया। और सिर्फ कारण इसका ले कर आने का ये था, एक तो इसमें ब्लड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लड हो गया भाई जोटी में, एक तो सम्राट की होगी, ऊपर तो भाई माँ और नानी बहुत खानदानी ब्रीड की भैंस होगी, दूध की भी और ब्यूटी की भी, और चैम्पियन होगी सारी की सारी। और अब इसकी हालत देख कर ना भाई आपने सोच रहे होगे भाई वो के कहने लग रहा है भाई के ले आया, बट इसका लेने का मकसद यही था भाई, ये कहीं दूसरे स्टेट में जावे बाहर जाती के पता कहाँ जाती भाई, की तो इसकी गति होंगी बेचारी की। बस इसको हम न्यू मान कर ना लेकर आए भाई, कि ऐसे किसी अच्छे पशुपालक के पास ये भैंस चली जा। सींग देखें भाई,
आज भी चाहे दूसरे कह लो भाई, पर ये तीसरे ब्याह होगी। रोक ले भाई, वो रोक ले अड़े बस। तीसरी बार बच्चे को जन्म देगी। और भाई इसने एक काटड़िए दे दी, तो बस काटड़िए काटड़ी में सब कम पूरे हैं इसके। ले चल भाई भीतर ले चल हिमांशु। तो ये जोटी भाई देखो, कमजोरी को छोड़ के और जो इसकी मैंने डिटेल आप लोगों को बताई है, ऐसी खरने की तो लाख डेढ़ दिन नीचे तो भाई को काटड़ी ना दे। और या फिर भी सुखता बेचारी ब्यावेगी और फिर भी मरे तो मरे 15-16 किलो दू तो फिर भी रखा है या रोक ले भाई। ये देखें भाई हाइट लेंथ सारी चीज़ें, एक एक चीज़ परमात्मा ने गड़के लाई थी इसके भाई, जब यह अच्छी तैयारी पर होगी। पर आज इसका भाई बेचारी का बुरा टाइम आया, या भाई जाड़ जुड़ गलत पार्ट गई इसकी। ले चल भाई भीतर। तो भाई किसी लगी दोस्तों, शरीर को छोड़ के और जो डिटेल मैंने बताई है, और कई रेट रेट कराया ना भाई, रेट भी बताया है आज वीडियो में। नसीब तो ली भाई बरसोड़ा से भाई से 1 लाख रुपए की अपन आया, और सिर्फ इसका कोई पर्पज नहीं था प्रॉफिट का और का, सिर्फ इसका ये पर्पज था भाई ये कहीं बाहर ना जावे, किसी अच्छे पशुपालक के पास चली जा जो इसके बच्चे तैयार कर ले, कटड़ी तैयार कर ले, या भाई कटड़ा जो भी दे। तो चलो अंदर का तो किसी को नहीं पता, खुद सम्राट थे मुकेरियाँ की है, माँ और नानी दोनों की दोनों बहुत बार की चैम्पियन है, बहुत बार की। माँ तो इसकी भाई जड़ा जाया कर दी, उड़े फर्स्ट आया कर दी। ताउबेद से संपर्क करके भाई इसकी पूरी डिटेल आप ले भी लियो, जो मैंने वीडियो में बताई है वो डिटेल सच्ची है या झूठी है, सारी अपनी कन्फर्मेशन कर सको हो भाई। तो राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को। उधर भाई अपनी जो माँ बेटी थी अपने पास, ड्राई ने अपन ली थी अदल्ले पे, कटड़ी इसकी साथ में थी 13 महीने की 14-17-10 वाली, वो कटड़ी अपन ने पंजाब दे दी थी फ्लोर। और अब की बारिश ने 10-26-99 की ये कटड़ी दी है। तीसरा दिन आज इसको बही को हो गया, ये 13 से प्लस दूध से स्टार्टिंग हुई इसकी खीस से खाली होते, ये तो खुली है भाई 20-21-22 खुला दूध दिया करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नितेश के पास थी, दूसरी बार फिर दल्ले के पास थी, अब तीसरी बार फिर अपने पास है भाई। तो दो ब्यात इसके अपन ने इसके पी लिए भाई, बहुत अच्छी दुधारू भैंस है ये भी। और अब सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 7-7:30 बजे खाली है बिल्कुल अब। और कटड़ी ऐसी दे रखी है जैसे भाई 1 महीने का बच्चा होया करे। तो जो इस भैंस को लेने का इच्छुक हो दोस्तों, वो संपर्क कर लियो भाई, जिसने अपनी ब्रीड बनानी हो। अकेला इस भैंस को पैसे से मत तोलियो भाई, इसका जो इसके अंदर ब्लड है और ये जो किस लेवल की झोटी होया कर दी है, उस लेवल से आप इसको देखना, ना कि इसको कमज़ोरी की हालत में देखना।